श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी उनका गांव है ये। लेकिन दोस्तों यहाँ की जो सड़कों की दुर्दशा है उसको देख के हैरानी होती है। देव की बाई है दोस्तों ये, हर गांव में देव की बाई आपको मिलेगी मिलेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग। मैं विकी आचार्य आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जी विकी आचार्य व्लॉग्स। दोस्तों रात को ये देखिए ऊपर पहाड़ों पे ताज़ी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से थोड़ी ठंड बढ़ गई है और मुझे एक अपर लगानी पड़ गई टी शर्ट के ऊपर। वैसे मैं लगाता नहीं था, आजकल गर्मियाँ चली हुई है लेकिन पहाड़ों पर कोई पता नहीं होता कब गर्मियाँ हो कब सर्दियाँ आ जाए कब ठंड कब बारिश कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता। तो दोस्तों आज जा रहे हैं जी हम लोग कन्याल गांव में, और कन्याल गांव भी काफ़ी हाइट में है, वहां से नहीं दिख रहा होगा यहां से, लेकिन अगर मैं जूम करूं दोस्तों तो बस यहां से हमें लोगों को ऊपर जाना है, थोड़ा पहाड़ी के ऊपर दिख जाएगा। चलिए वहां जाके दिखाऊंगा मैं आपको, वहां पर एक देवली है शायद, मैं अवस्थी और गुल्लू होंगे आज भी, तो वैसा वैसा है। अभी तैयार हो चुके हैं हम लोग और निकलने वाले हैं घर से। तो ये पहुंच गए दोस्तों हम लोग कन्याल गांव में, पार्किंग में बाइक लग चुकी है हमारी, अब बढ़ते हैं आगे गांव की तरफ। ये भी एक देवस्थान है यहाँ पे, जय हो। दोस्तों अगर कन्याल गांव की बात करें तो काफ़ी छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। मुझे लगता है 200 के करीब यहाँ पर आबादी होगी और हिमाचल के पूर्व परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी उनका गांव है ये, यहीं से यहीं के रहने वाले हैं वो। लेकिन दोस्तों यहाँ की जो सड़कों की दुर्दशा है उसको देख के हैरानी होती है। मढ़ार के पास पहुँच गए हम दोस्तों, जय हो, क्या बात है। हमारी रसोई बनती है थोड़ा आगे जाके स्कूल के पास, कंस्ट्रक्शन चली हुई है, लेंटर वगैरह पड़ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों पुराने घर तो पुराने घर ही होते हैं ज़बरदस्त। बॉडी के पास पहुँच गए दोस्तों, प्राचीन बॉडी है यहाँ की। मुझे लगता है यहाँ पर कपड़े वगैरह भी धोए जाते हैं। ये देखिए देव की बाई है दोस्तों, ये हर गांव में देव की बाई आपको मिलेगी मिलेगी, और यहाँ की देव की बाई ये है। और स्कूल में भी पहुँच गए हम लोग, स्कूल है यहाँ पे और इसके साथ ही रसोई बनती है। सामने वाले पहाड़ एकदम सामने, यानी सामने ही लग रहे हैं, सामने वाले पहाड़ सामने है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सामने ही दिख रहे हैं ये पहाड़, यानी कि हम भी काफ़ी हाइट में आ गए हैं। जो कन्याल गाँव है दोस्तों ये भी काफ़ी हाइट में है, और जो ये बाकी एरिया है नीचे वाले, जैसे सिमसा एरिया हो गया, काफ़ी नीचे है ना जी। और ये देखिए प्रीनी गांव है, ये शुरू गांव है, प्रीनी गांव है, ये भी काफ़ी नीचे है। ये होटल लाइन है देखिए, यहाँ से शीरगंज तुंग दिख रहा है काफ़ी, देखिए ऊंची चोटी जो बादलों से ढकी है, ज़बरदस्त। बाकी दोस्तों वहाँ पर तैयारियाँ चली हुई है, अभी बर्तन वगैरह लगाए जा रहे हैं, इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ पर साइड में आके, थोड़ी देर हल्के हो जाते हैं। देखिए दोस्तों आज की हमारी रसोई काफ़ी अच्छी रसोई है, वेल क्या बोलते हैं इसको, अच्छी लगी है। यानी कि यहाँ पर राइटर चढ़ा रखा है हमने, इसमें कुकर में माश की दाल पक गई हमारी, बाकी रसोई आधे से ज़्यादा हुई है हमारी तैयार। गोला भटकते भटकते पहुँचे हैं आज हमारे गोला साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं बेचारे। अवस्थी की जो डायरेक्शन होती है सही नहीं होती, यहाँ पर छिद्रा हो रहा है आज इन घरों के आसपास कहीं, और यहीं पर हमारे जो देवता हैं वो आए हैं। देवता का रथ आया है छोटा सा, करडू जिसको हम बोलते हैं, जिसको सर पे उठाया जाता है करडू। ये देखिए छोटा सा रथ दिख रहा है आपको, और देवता के गुर भी हैं और सभी हैं। चेक काम रह गया कॉमनों के पास जिस पर निपटा रहे हैं जल्दी जल्दी।
दोस्तों ऐसे नज़ारे देखकर पहाड़ों पे जाने का बड़ा मन करता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी रसोई हो गई है जी रेडी एकदम से, और प्रसाद वगैरह नहीं लगाई, भोग नहीं लगाया क्योंकि थोड़ी कसर है, यानी जो यहाँ पर छिद्रा हो रहा है उसमें थोड़ी कसर है, ऐसे ही हो जाएगा। वैसे प्रसाद लगा लेंगे हम, भोग लगा लेंगे और खाना खिलाना शुरू कर देंगे दोस्तों। मैं आया हूँ अभी थोड़ी सी आगे अपनी रसोई से, थोड़ा सा आगे यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ मैं। अवस्थी और गोलू सो गए हैं दोनों, तो मैं सो नहीं सकता, तो मैं निकला हूँ घूमने। देखते हैं वादियाँ, वादियाँ काफ़ी हसीन नज़र आ रही है यहाँ से, काफ़ी मज़ेदार, क्या बताएं, कितना मन कर रहा है ऊपर जाने का। जल्द से जल्द भृगु लेक, भृगु टूर बनाना पड़ेगा एक, या ठेली या कहीं भी और, बस पहाड़ों पे जाना था ऊपर, काफ़ी ऊपर। दोस्तों वो दिख रहा है जी प्रेणी गांव, ये है प्रेणी गांव, जो मैं आगे बता रहा था वो शुरू गांव है, ये रहा प्रेणी गांव। यहाँ यहाँ से आप जाते हैं, यहाँ से जा सकते हैं आप, ये देखिए बाय रोड हामटा सेतन गांव हामटा, और यहाँ पर बने हैं बहुत मस्त मस्त कॉटेज, इतने बड़े बड़े कॉटेज बने हैं यहाँ पे, क्या बताएं, ज़बरदस्त। तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, देखिए दो दो यहाँ पर। मीठा है, मीठा गर्म कर रहे हैं हम लोग, यहाँ खुद गर्म हो रहे हैं इस आग में। अच्छा कितना है दिल्ली में, कितना है? 52 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, और यहाँ पर आज था सुबह 16 डिग्री पहुँचा हुआ,